पाकिस्तान में आम चुनाव शुरू हो गए हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो जेल में बंद हैं। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई का चुनाव चिन्ह बल्ला भी छीन लिया गया है। फिलहाल रावलपिंडी के अड़ियाला जेल में बंद इमरान खान का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। पाकिस्तान के सियासी हलकों में उन्हें फांसी की सजा तक की चर्चा चल रही है। इमरान खान के खिलाफ कम से कम 150 मुकदमे चल रहे हैं। सबसे गंभीर मामला 2023 का है, अल कादरी ट्रस्ट करप्शन केस में जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तब उनके समर्थकों ने भारी तोड़फोड़ की, सरकारी बिल्डिंग और दफ्तरों में आग लगा दी। इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के बेस पर भी हमला किया, साथ ही रावलपिंडी स्थित हेडक्वार्टर पर भी धावा बोल दिया। नौ मई 2023 के इस हिंसा में इमरान खान समेत 100 लोग आरोपी हैं और इनके खिलाफ आतंकवाद से लेकर अलग अलग धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं। इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने, युद्ध छेड़ने जैसी धाराओं में मुकदमे हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट का सेक्शन 59 कहता है कि कोई भी शख्स यदि पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाता है या पाकिस्तानी आर्मी या सुरक्षा बलों पर हमला करता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। नौ मई की हिंसा का केस पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है। मिलिट्री कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम चश्मदीद गवाहों ने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी है और उन्हें ही हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। पाकिस्तान की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग कहते हैं कि जिस तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, आर्मी के आला अफसर उन्हें 9 मई की हिंसा का मास्टरमाइंड मानते हैं, जो बहुत ही गंभीर मामला है। अगर मिलिट्री कोर्ट इमरान खान को दोषी पाता है तो फांसी की सजा हो सकती है। बता दें कि इमरान खान पहले ही कुल 3 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं और उन्हें सजा भी सुनाई गई है। पहला मामला तोशखाना केस, दूसरा मामला साइफर केस, तीसरा मामला गैर इस्लामिक निकाह का मामला है। इमरान खान ने अपने खिलाफ लगे तमाम आरोपों को मनगढ़ंत बताया है और दावा किया है कि 9 मई की हिंसा उनकी पार्टी और उन्हें खत्म करने की साजिश है। इमरान ने दावा किया है कि 9 मई की हिंसा की साजिश लंदन में रची गई थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के आला अफसर इसमें शामिल है। इमरान खान के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता धुंधली होती दिखाई दे रही है।